हाँ तो भैया जी, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, तुम्हारे भाई ने एक नया साइकिल खरीद लिया है, तो उसका एक रिव्यू वीडियो तो बनता ही है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिव्यू नहीं करने वाले, हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। 2 महीने चलाया, मुझे कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता है बिना ज्यादा बकबक किए। तो इधर है अपनी दोनों बाइक्स, ये है 91 की पैंथर और ये है क्रेडिया की गनर। ये एक MTB कैटेगरी की है, देख ही सकते हो टायर को, और ये एक हाइब्रिड है, और ये है हमारे 91 के ओनर। तो ये है द क्रेडिया गनर प्रो। क्रेडिया गनर और गनर प्रो में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि क्रेडिया गनर में आपको ये सस्पेंशन नहीं मिलता, और क्रेडिया गनर प्रो में आपको लॉकआउट सस्पेंशन विद प्रीलोड एडजस्टर मिलता है। ये सब का रिव्यू मैं बाद में बनाऊंगा। तो इधर आपको मिलते हैं सील्ड बियरिंग्स और गोल्डन हब, और इधर और आपको मिलता है क्यूबिक ब्रांड के डिस्क ब्रेक्स 160mm के रोटर के साथ, और इधर आपको मिलता है मेटल के पेडल्स। ये मेटल है या फिर एलॉय या फिर एल्युमिनियम है, मुझे नहीं पता। और इधर मिलता है प्रो व्हील का क्रैंक सेट, जो कि तगड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। पीछे भी आपको गोल्डन हब और क्यूबिक के डिस्क कैलिपर और रोटर मिलते हैं। इसका जो टायर है ये 700C की कैटेगरी में आता है, इनको 700C के टायर्स बोलते हैं। ये आपको दो कलर ऑप्शन में मिलेंगे, एक है रेड एक है ब्लू। मैंने ब्लू वाला चॉइस किया क्योंकि मुझे ये नियॉन वाला मतलब ब्लू में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम में पोल किया था कि ब्लू वाला ही खरीदना, तो मैंने ब्लू वाला ही खरीदा है। और इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैंने इसको ही खरीदा है, वो है इसका गियरिंग सिस्टम, यानी इसका ड्राइव ट्रेन, जो कि तगड़ा मतलब क्या बोलूँ, इस प्राइस रेंज में इससे बढ़िया ड्राइव ट्रेन मिल ही नहीं सकता, मैं गारंटी हूँ। मैंने तो दिखाई था कि प्रो व्हील का क्रैंक सेट मिलता है, और इधर आपको मिलते हैं शिमानो एल्टस। अरे जेस्चर हो जाएगा, अरे ये देखो, अरे एल्टस, ठीक है, शिमानो एल्टस। और पीछे आपको मिलता है भाई साहब शिमानो एसेरा। और यही नहीं, इसके साथ ये वाला लॉक जो देख रहे हो ना, ये वाला लॉक फ्री में आता है, और इसके साथ दो लाइट फ्री में आता है। ये वाला नहीं, ये जो लगा हुआ है इसमें, ये वाला लाइट नहीं, दूसरा एक लाइट है छोटा वाला, एक रेड और एक वाइट फ्री में मिला था मुझे, और एलन की तो मिलती है साइकिल को फिट करने के लिए। अब बात कर लेते कि आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। उससे पहले मैं अभी जाने वाला हूँ अपने 91 पैंथर के रिव्यू में। आप वो वाला पहले देखो, फिर आप सोच सकते हो कि आपको कौन सा वाला खरीदना है। अभी बात करते हैं 91 की पैंथर की। 91 जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। अगर लोग क्रेडियक बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं कि कौन सा ब्रांड है, कहाँ से आया है। लेकिन जब लोग 91 बोलते हैं ना, साइकिल की दुनिया में मतलब नेक्स्ट लेवल ही नाम है 91 का। और इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेरिएंट है पैंथर। तो ये आपको मिलता है 29 इंच के व्हील के साथ, और इधर आपको जूम का सस्पेंशन मिलता है। इस पर तो क्रेडियक का ही मिलता है, कोई भी ब्रांड का नहीं है, लेकिन इसमें लॉकआउट नहीं मिलता। यही इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें लॉकआउट नहीं है। और इसका कैलिबर देखते हैं भाई। अरे यार, इसका कैलिबर का नाम मिट गया है, मिटेगा ही भाई। ये साइकिल भाई अप्रोक्स 1.5-2 साल से चला रहे हैं, मतलब मस्त चलता है। मैंने भी चलाया बहुत बार। सबसे ज़्यादा तगड़े तो इसके डिस्क ब्रेक्स ही है, नाम पता नहीं मिट गया है। रियर वाला देखते हैं, हाँ जी सुपर ब्रेक ऐसा तो कुछ नाम है, लेकिन भाई ब्रेक्स तगड़े हैं इसके। इसमें आपको मिलते हैं शिमानो टूर्निक के ड्राइव ट्रेन, शिमानो टूर्निक का ड्राइव ट्रेन। इधर आपको 3 स्पीड और पीछे आपको 7 स्पीड मिलता है। दस टूर्निक का सबसे महंगा वाला वेरिएंट लगा हुआ है TZ विद SIS, देख ही सकते हो सर। और सामने शिमानो का टूर्निक। शिफ्टर भी दोनों के सेम है, EF500 शिफ्टर और EF500 शिफ्टर। सिर्फ डिफरेंस तो मेजर दो ही डिफरेंस है कि इसका टायर मोटा है और इसका टायर थोड़ा सा पतला है, बहुत ज़्यादा ही पतला है। आप इसका विड्थ देखो ज़रा, ये देखो मेरी उंगली चारों आ रहा है इसमें, ठीक है, देख ही सकते हो। और इसका विड्थ देखो, मेरे 2 उंगली ही परफेक्टली आ रहा है। तो अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं, इसके प्राइस
इसका प्राइस मैं डिस्कस करता हूँ, इसका प्राइस दोनों का प्राइस क्या है और इसमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या लगा है आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो ये वाला जो साइकिल है इसका ऑनलाइन का प्राइस है, देख ही सकते हो आप लोग, जो कि है अप्रोक्स 22,000 का है, मिलता है 91 पैंथर 2090 ग्रीन कलर, यही वाला है। आपको शायद ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा लो प्राइस में मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन में इसका प्राइस आप देख ही सकते हो। और ये है अपनी वाली द क्रेडियक गनर प्रो, जो कि है ऑनलाइन में इसका प्राइस है अप्रोक्स 19,000 की, मतलब अप्रोक्स 5,000 का डिफरेंस है दोनों में, तो देख ही सकते हो। मैं इस वीडियो का कुछ कंक्लूजन नहीं दूंगा, आप लोग ही समझ लो कि आपको कौन सा वाला खरीदना है। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए कि 91 का ब्रांड नेम चाहिए तो आप 91 पैंथर पे जा सकते हो, अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप जा सकते हो क्रेडियक गनर प्रो में। 91 के सर्विस सेंटर ऑफिशियली आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा, लेकिन आपको क्रेडियक गनर का सर्विस सेंटर मेरे स्टेट यानी त्रिपुरा में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और शायद से बहुत स्टेट में मिला भी नहीं है। और इसका जो डिब्बा आया था भाई, वो बहुत घटिया कंडीशन में था, मैं आपको दिखा दूंगा शायद फ़ोटो अगर मिला तो, जो होम पे डिलीवरी हुआ था मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन इसका डिब्बा टीवी का डिब्बा आया था इसके साथ, और इन भाई ने तो शोरूम से ख़रीदा है कि भाई 91 के शोरूम से खरीदा भाई ने। तो आज के वीडियो इधर ही एंड करते हैं, तो दिस इज द TR09 भाई, तो दिस इज द TR09 साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इन भाई का और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, और राइड करते समय हेलमेट लगाना मत भूलना, क्योंकि सेफ्टी आपकी हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।